टांडा बैलगाड़ी से गिरने से एक युवक की मौत। टांडा के समीप ग्राम कोरदा में सरदार पिता डेबरा 40 वर्ष निवासी ग्राम कोरदा अपनी बैलगाड़ी से खेत पर गया था। वहीं इसी दौरान बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ने से सरदार चालक भी अपना संतुलन खो बैठा और गिर गया। बैलगाड़ी के पहिए से उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिससे घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट उसकी पत्नी मड़ी बाई ने करते हुए बताया, सरदार की हम दो पत्नी है, मड़ी और रेवली बाई। हम दोनों खेत पर मक्का की कड़ब काट कर दोपहर 2 बजे खाना खाने लौट रहे थे कि रास्ते में सरदार बैलगाड़ी लेकर खेत पर जा रहा था, तो हमने उसको रोककर कहा कि अभी बैलगाड़ी क्यों लाए, अभी कड़ब काटना बाकी है। उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, क्या कर, वे वहाँ से चला गया और हम भी घर आ गए। घर से हम वापस लगभग 4 बजे पहुँचे तो देखा कि सरदार बैलगाड़ी के नीचे गिर पड़ा था। उसके सर के बाएं कान के पास से खून निकल रहा था। यह देखकर हम चिल्लाए तो पास के खेत पर सरदार का भाई सज्जन सिंह आया और उसने देखा कि सरदार का शरीर ठंडा पड़ गया है। घटना की सूचना पुलिस थाना टांडा में दी गई। मौके पर टांडा पुलिस एवं डायल 100 मौके पर पहुंची और मृतक का शव लेकर टांडा सरकारी हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धार जिले के टांडा से नरेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्या हुआ दादा? बैलगाड़ी से गिर गया। हाँ। पहिया चढ़ गया। आपका नाम? सज्जन सिंह। कौन सा गांव? कोरदा।